ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर के साथ आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर जब पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जाते जाते कमेंट में जो चाहे लिखें। और कुछ नहीं लिखना है तो महागणेशाय नमः तो लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाए। मित्रों अब देखिए मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ। मैंने अभी यहाँ थंबनेल में कुछ लिखा नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि देखिए 1 अगस्त से 30 सितंबर ये टाइम ले रहा हूँ। देखिए 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर यानी 2 महीने पूरे, 1 अगस्त से लेकर के 2 महीने है पूरा सितंबर। कौन कौन ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन कौन ग्रह अच्छा कर रहा है, किस किस राशि के लिए, किस किस राशि को पैसा दे रहे हैं, किस किस राशि को सुख दे रहे हैं, किस किस राशि को संतान को लाभ दे रहे हैं, क्या व्यापार में तरक्की कर रहे हैं, क्या समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक ग्रह गोचर जो है, ग्रह गोचर का विभिन्न राशियों पर स्पेशल नॉट साधारण स्पेशल असर प्रभाव स्पेशल प्रभाव इफेक्ट। यानी देखिए मेरा थंबनेल जो है मैंने लिखा आपको कि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2023, तो मैं चलिए कोई बात नहीं 2023 ही की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रह गोचर का विभिन्न राशियों पर स्पेशल प्रभाव स्पेशल इफेक्ट। सो आई एम कंसिडरिंग माई डियर फ्रेंड्स, आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट राशीज और डिफरेंट लग्नास फ्रॉम मेष और एलीज टू पाइसेस मींस मीन, मेष से मीन तक सारी राशियों और लग्न के लिए हाउ डिफरेंट गोचर्स मींस ट्रांजिट, how different planets in different houses are affecting various rashis and lagnas during the time period 1st august to 30th september 1 august se 30 september tak vivid rashiyon ko kis tarah prabhavit kar raha hai to special effect special considerations of all the rashis and lagnas. So I am talking about, I will talk about all the Rashi Lagnas today from Aries to Pisces, from Mesh to Mean, from 1st August to 37. Dekhi, abhi main special kahiye. So this is Mesh Rashi special, Aries special, Mesh Rashi special. This is, you can say, this particularly is Aries super special. I am talking about Aries super special. Aries ke liye, yani Mesh Rashi ke liye super special consideration. Toh mitro dekhiye, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शुक्र जो है, और देखिए
बुध शुक्र और बुध और मंगल तीन सिंह राशि में है। 7 अगस्त को शुक्र जो है आ जाएंगे यहाँ पर वापिस कर्क राशि में और सूर्य जो है कर्क राशि में है जो कि 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में। मंगल यही रहेंगे, बुध यही रहेंगे, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शुक्र और बुध यही रहेंगे। पहली बात तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा इनका, जिसकी चर्चा हम पहले और वीडियो में कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर हम 1 अगस्त से 30 सितंबर तक की बात कर रहे हैं तो सारी बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनता है क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मतलब बुध है भगवान विष्णु और शुक्र है माता लक्ष्मी, तो बुध का और शुक्र का आपसी संयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सिंह राशि में यानी मेष राशि के पंचम भाव में बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बन गया 1 अगस्त से 7 अगस्त, तो ये बहुत जबरदस्त लाभ देगा। और यहाँ से देखिए सम शतक योग बन रहा है शनि का शुक्र का बुध का, शुक्र और शनि और बुध आपस में बहुत अच्छे मित्र है, दैत्य है, दैत्य गुरु है, तो इन सबका तीर होगा यानी बुध का शुक्र का और शनि का सम शतक आपस में 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए त्रिग योग 14 ग्रह ये और चंद्रमा में आएगा किस तारीख को, तो 5-5 ग्रह लाभ भाव में होंगे, लाभ भाव में होंगे और 5-5 ग्रह का असर पंचम भाव में होगा। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक गजब का संयोग बन रहा है 4-4 ग्रहों का और मेष राशि वालों को तो संतान को लाभ, संतान की तरक्की, संतान को शिक्षा में लाभ, संतान को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, संतान को नए नए ऑफर, नए नए काम के जॉब के ऑफर, नए नए नौकरियां, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, और कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो शुक्र खुद यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र की वजह से जो है प्रेम प्रसंग में सफलता। और देखिए बृहस्पति या राहु से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि चांडाल दोष खत्म हो चुका है, राहु बिल्कुल बचपन में चले गए बाल्यावस्था में और बृहस्पति युवावस्था में, तो बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 हमने ये भी बताया अलग वीडियो में बृहस्पति की पंचम दृष्टि में आ गए शुक्र, तो दोनों गुरु दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों ही आपस में संबंध है। देव गुरु इस समय जो है शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र और बृहस्पति है देखिए 5वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर और यहाँ से नवी पड़ रही है, तो नवम पंचम राजयोग है ये भी लक्ष्मी नारायण योग, नवम पंचम राजयोग, सम सप्तक योग, देखिए शनि का इनका जबरदस्त। ये रही बात 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, 7 अगस्त को शुक्र जो आ जाएंगे कर्क राशि में तो सूर्य के पास, तो सूर्य का शुक्र का देखिए कर्क राशि में बन जाएगा बुध आदित्य राजयोग, केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिकोण के स्वामी सूर्य, त्रिकोण काल पुरुष की कुंडली में त्रिकोण के स्वामी सूर्य हैं जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग। और सूर्य का देखिए सॉरी सूर्य जब 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, 17 अगस्त को या पंचम में आ जाएंगे तब सूर्य का बुध का बन जाएगा बुध आदित्य राजयोग। अभी सम सप्तक बन रहा है, अभी नवम पंचम बन रहा है, अभी लक्ष्मी नारायण बन रहा है और 17 अगस्त को बन जाएगा जब सूर्य आ जाएंगे तब सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग। अभी 7 अगस्त को शुक्र यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में, तो शुक्र साधनों में देखिए शुक्र ऐश्वर्यदाता सौंदर्य के मालिक, यहाँ से 10वें भाव को देखेंगे सूर्य भी शुक्र भी, तो 10वां भाव मतलब नौकरी में जॉब में तरक्की प्रमोशन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा नौकरी वेतन में वृद्धि और देखिए व्यापार शुक्र से संबंधित व्यापार में विशेष तरक्की मिलेगी, ऐसा व्यापार जो करेंगे जिसमें आपको सौंदर्य प्रसाधन का हीरे जवाहरात का ज्वेलरी का आभूषणों का साड़ी कपड़ों का फिल्मी दुनिया का आर्टिस्ट लोगों को सबको तरक्की मिलेगी। और सूर्य देख रहे हैं यहाँ पर इसी भाव को, तो सूर्य के देखने से क्या होगा
सरकारी नौकरी में तरक्की, सरकारी काम में तरक्की, सरकारी कोई भी काम मिलेगा, सरकारी ठेकों में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, सरकारी राजनीतिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, सब सूर्य की दृष्टि पड़ने चाहिए। और यहाँ बैठे हैं तो सुख साधनों में जो भी आप चाहेंगे, गाड़ी बंगला भूमि भवन मकान जमीन खेत खलिहान जो चाहेंगे यहाँ बैठ करके मिलेगा। तो देखिए ये रहा अगस्त में, और 17 अगस्त के बाद जब मैंने बताया यहाँ पर जब सूर्य आ गए तब ये चलता ही रहेगा अगस्त भर। बुद्ध आदित्य राजो बुद्ध तो यही रहेंगे, अब वो अलग बात है बुद्ध बकरी हो बकरी तो बकरी ग्रह जो भी है, बकरी शनि हो बकरी बुद्ध हो बकरी शुक्र हो, बकरी ग्रह तो ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि बकरी ग्रह की धीमी गति हो जाती है, गति धीमी होने से इंट्रोडक्शन टाइम बढ़ जाता है, वेव्स का आदान प्रदान जो है फास्ट निकलेंगे तो कम टाइम मिलेगा, तो इंट्रोडक्शन पीरियड बढ़ जाने से आपस का क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्ट्रांग ग्रह हो जाते हैं। तो बुद्ध का देखिए सूर्य का यहाँ आने पर, और जैसे देखिए सूर्य आएंगे 17 तारीख को मंगल भी होंगे तो सूर्य का मंगल का साथ मिलेगा, सूर्य राजा मंगल सेनापति, तो ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति 2 दिन साथ साथ रहेंगे। और पंचम भाव में रहकर मेष राशि वालों को लाभ भाव में देख करके लाभ ही लाभ देंगे, लूट लो जो चाहिए, जो पैसा जितना चाहिए, जो जमीन चाहिए, माल चाहिए, सुख क्या चाहिए तो राजा और सेनापति दोनों ही लुटा देंगे लाभ भाव में सब कुछ। और मंगल देखिए 18 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे 18 तारीख को, और मंगल कन्या राशि में छठे भाव में आकर के मेष राशि वालों के शत्रुओं को भगा देंगे, शत्रु हंता शत्रु तो रहेगा नहीं एक भी, और बड़ी बड़ी पुरानी बीमारियों में आराम मिलेगा, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी मंगल, क्योंकि मंगल राशि के स्वामी हैं भाई। हालांकि छठा भाव उतना अच्छा नहीं है, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, विदेश से लाभ मिल सकता है, विदेश व्यापार से लाभ मिल सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का कोई प्लान है, कोई नौकरी है, कोई तरक व्यापार है, कुछ भी है प्लान, तो मंगल उसमें सहायता करेंगे। तो ये रहा मित्रों अगस्त का पूरा महीना, और सितंबर जब तक के सूर्य यहाँ रहेंगे तब तक बुद्ध के साथ सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य राज बनता रहेगा, यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर सूर्य चले जाएंगे अग्नि राशि में, कहाँ पर यहाँ पर कब 17 सितंबर को, 17 सितंबर से आगे फिर सूर्य यहीं रहेंगे, तो वो मैं तो 30 सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएंगे तो मंगल का साथ मिलेगा, सूर्य और मंगल दोनों ही रेड प्लेनेट कहे जाते हैं, मंगल और सूर्य भी अग्नि अग्नि कुछ प्लेनेट है, दोनों ही मतलब यहाँ से देखिए सूर्य मंगल दोनों ही रोग ऋण से मुक्त कराएंगे, शत्रुओं को भगाएंगे, विदेश से लाभ कराएंगे। तो ये सूर्य जब आ जाएंगे 17 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक मंगल यहीं रहेंगे, बाकी ग्रह देखिए शुक्र यहाँ रहेंगे अकेले, शुक्र जो है अकेले रह जाएंगे पूरे सितंबर में ही रहेंगे शुक्र अकेले, और शुक्र यहाँ रह करके सुख की बारिश, व्यापार में तरक्की, पैसों की बारिश, शुक्र जो है खुद जो है देखिए काल पुरुष की कुंडली में धन भाव को शामिल होते हैं, नंबर 2 भाव के धन दाता, तो धन के स्वामी 4 सुख के भाव में मिल करके 10वें भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देखिए यहाँ पर बराबर पूरा महीना अगस्त पूरा महीना सितंबर महाबली होकर के पंचम को सप्तम को नवम को लेकरेंगे, तो यानी भाग्य वर्धन करेंगे, पति पत्नी का बीच का अच्छा संबंध बनाएंगे, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा व्यापार में, और संतान को बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मित्रों देखा आपने कि मेष राशि वाले यानी सुपर स्पेशल है ये अरीज के लिए, मेष राशि के लिए ये टाइम, और शनि लाभ भाव में, शनि लाभ भाव क्या मतलब, लाभ भाव का मतलब लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ का क्या मतलब, अरे पैसे ही पैसा, हर तरफ से पैसा पैसा मिलेगा,
शनि तो लुटाएंगे, मेष राशि तो गोल्डन राशि है शनि के इस समय, लाभ भाव में बैठकर शनि अपने कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होकर के शनि धन लुटा रहे हैं। बृहस्पति पति पत्नी के भाव को, बृहस्पति भाग्य भाव को, बृहस्पति संतान के भाव को, सूर्य यहाँ से और शुक्र भी वसंत भाव को और चौथे भाव को सुख साधनों में और नौकरी में तरक्की में। और यहाँ तो पंचम भाव तो मैं कई ग्रह बैठे हुए, यहाँ तो सारी चीजें मतलब प्रेम प्रसंगों में, संतान की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और छठे भाव से जब सूर्य भी आ जाएंगे मंगल के पास तो फिर देखिए सूर्य राजा और मंगल सेनापति, यानी मंगल तो यहाँ 18 अगस्त को आ गए और सूर्य आएंगे 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक समझ लीजिए सितंबर का आखिरी 15 दिन राजा और सेनापति दोनों मिलकर के मेष राशि वालों को, यहाँ राजा सेनापति दोनों हैं तो वहाँ कौन क्या बिगाड़ सकता है, कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कर्जा है तो चुक जाएगा, बैंक से कहीं लोन मांगा है तो पैसा मिल जाएगा, मुकदमा चल रहा है जीत जाओगे, सब कुछ सफलता ही सफलता हाथ लगेगी मित्रों। यहाँ से मंगल और सूर्य और विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश से भी यात्रा करा सकते हैं, विदेश से लाभ करा सकते हैं, विदेश से व्यापार में तरक्की करा सकते हैं। तो मित्रों ये तो मेष राशि का सुपर स्पेशल कहूंगा मैं, बहुत जबरदस्त योग है पूरा अगस्त सितंबर का महीना, धनी धन सुखी सुख परिवार को, संतान को, पति पत्नी को, कोई बीच में आपस में टेंशन नहीं रहेगी, बृहस्पति देख रहे हैं बराबर, कोई आपस में तनाव नहीं रहेगा क्योंकि केतु और राहु तो भीग पड़ चुके हैं बाल अवस्था में, गई इनका कोई बुरा असर नहीं है अब कदा। तो मित्रों मैं भी यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए आगे आऊंगा तो और अगली राशि की चर्चा करूंगा मित्रों।